गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी में अपना चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग चैप्टर का नाम पढ़िए। क्या है चैप्टर का नाम? मेट्रो की कहानी। मेट्रो की कहानी, मेट्रो की जवानी, ये है आपका चैप्टर का नाम। मेट्रो की कहानी, मेट्रो की जवानी, मतलब मेट्रो अपनी कहानी बता रहा है। मेट्रो जानते हो क्या होता है? नहीं? तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को पढ़ेंगे, जिससे आप जानेंगे कि मेट्रो क्या होती है। ठीक है, मैं आपको मेट्रो की पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए, आपके चैप्टर में ऊपर मेट्रो की काफ़ी सारी पिक्चर्स दे रखी हैं, है ना? देखिए, ये है मेट्रो। देखिए, देखा आप लोगों ने? तो चलिए अब हम चैप्टर को रीड करेंगे। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को रीड करते हैं। देखिए क्या लिखा है। मैं मेट्रो हूँ, मैं मेट्रो हूँ, दिल्ली की मेट्रो रेल। यानी कि मैं मेट्रो हूँ और कहाँ की? दिल्ली की। तो आप हम दिल्ली की मेट्रो रेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। आपको लाल किला, कुतुब मीनार या इंडिया गेट देखना हो तो चलिए मेरे साथ। मैं आपको अक्षरधाम, बिंद्रा मंदिर, लोटस टेंपल, जामा मस्जिद, गुरुद्वारा बंगला साहिब, शीशगंज साहिब जैसे किसी भी धार्मिक स्थल की सैर करा सकती हूँ। देखिए, मतलब दिल्ली की जो मेट्रो रेल है वो कहाँ कहाँ जाती है? लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट और अक्षरधाम मंदिर, बिंडला मंदिर, लोटस टेंपल, जामा मस्जिद, गुरुद्वारे। तो जो मेट्रो है वो हर जगह जाती है दिल्ली में। ओके, आपको अगर ख़रीदारी करनी है तो मेरे साथ चांदनी चौक, यानी कि अगर आपको शॉपिंग करनी है तो मेट्रो में आप कहाँ कहाँ जा सकते हो? चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, कोरल बाग। चलिए, गाड़ी पकड़ने नई दिल्ली स्टेशन या हवाई यात्रा करने हवाई अड्डा चलना है या बस पकड़कर दिल्ली से बाहर जाना है तो आनंद विहार या कश्मीरी गेट बस अड्डे चलिए। देखिए, जो मेट्रो है वो कहाँ कहाँ जाती है आपको पहले बताया जा रहा है। जैसे अभी हमने अपना फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था, जो मेट्रो है वो लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, बिरला मंदिर, लोटस टेंपल, जामा मस्जिद और गुरुद्वारे, इधर भी जाती है। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो चांदनी चौक, कॉनॉट प्लेस, कोरल बाग यहाँ भी जाती है। अगर आपको गाड़ी पकड़नी है तो नई दिल्ली स्टेशन, यानी कि अगर आपको ट्रेन में जाना है तो वो नई दिल्ली स्टेशन भी मेट्रो आपकी जाती है। और अगर आपको फ्लाइट पकड़नी है तो हवाई अड्डा भी जाती है। और अगर आपको बस पकड़नी है दिल्ली से बाहर जाने के लिए तो आनंद विहार या कश्मीरी गेट बस अड्डे पर भी चलती है मेट्रो। ओके, मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक हमेशा आपके लिए तैयार रहती हूँ। जो मेट्रो है वो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमेशा चलती रहती है। समझ आया? आगे बढ़े, चलिए आगे का पढ़िए। यदि आपको दिल्ली में हो रहे किसी मैच को देखना है, मतलब जो क्रिकेट मैच होता है, अगर आपको वो मैच अगर दिल्ली में हो रहा है आपको देखना है तो आप जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, फिरोजशाह कोटला मैदान तक मैं आपको खुशी खुशी ले चलूँगी। देखिए, अगर कोई मैच दिल्ली में हो रहा है तो आपको जो मेट्रो है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, फिरोजशाह कोटला मैदान तक आपको खुशी खुशी ले जाएगी। आपने स्टेडियम पढ़े हैं ना, जीके में लर्न भी किए होंगे, तो ये सारे कहाँ के स्टेडियम हैं? दिल्ली के, पता है ना, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, फिरोजशाह कोटला मैदान। तो यहाँ भी मेट्रो चलती है। आगे बढ़ते हैं।
मेरा सफ़र आपको शानदार लगेगा। मेरा सफ़र आपको शानदार लगेगा। पूर्ता वातानुकूलित न धुआं न धूल न वाहनों की पीपी, यानी कि जो मेट्रो है वो पूरी की पूरी एयर कंडीशन, यानी कि जो एसी है वो मेट्रो में लगी हुई है, ठीक है। ना ही मेट्रो में कोई धुआं होता है, ना कोई धूल और ना ही कोई वाहनों की पीपी की आवाज़ें आती हैं। आपको घूमने का पूरा मज़ा आएगा। मैं कहीं पुलों पर दौड़ती हूँ तो कहीं अचानक सुरंग में घुस जाती हूँ, परंतु आपको कभी झटके या हिचकोले नहीं खाने दूंगी। मतलब आप लोग कभी कभी ट्रेन या किसी भी बस या गाड़ी से जाते हो तो कितने सारे झटके लगते हैं, है ना, तो पर मेट्रो में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कई बार सड़कों पर खाने पड़ते हैं, मतलब आपको कई बार सड़कों पर झटके खाने पड़ते हैं ना, अगर आप ट्रेन में हैं, बस में हैं, पर आपको मेट्रो में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मेरे स्टेशन आप तीन जगह देख सकते हैं, मतलब जो मेट्रो है उसके स्टेशन तीन जगह हैं। मतलब जो मेट्रो है वो आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, देखिए ध्यान से पढ़िए, आकाश में, ज़मीन पर और ज़मीन के नीचे। जो मेट्रो के स्टेशन हैं वो तीन जगह हैं, आकाश में, ज़मीन पर और ज़मीन के नीचे। जैसे मेरा एक स्टेशन तो ज़मीन के 100 फुट तक नीचे है, मतलब जो मेट्रो है वो ज़मीन के 100 फुट नीचे जाके उसका स्टेशन बना हुआ है। वह है चावड़ी बाज़ार का स्टेशन, मतलब जो ज़मीन के नीचे स्टेशन है 100 फुट नीचे है वो कहाँ पर है, क्या बोलेंगे उसको, चावड़ी बाज़ार का स्टेशन, ओके। पुल पर चलते समय मैं कई बार इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती हूं कि सड़कों पर बने फ्लाईओवर भी मेरे नीचे से गुजरते हैं, है ना चौंकाने वाली बात। मतलब वो पुल पर चलते समय इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं कि जो सड़कों पर बने हुए फ्लाईओवर होते हैं ना, वो भी उसके नीचे से गुजरते हैं, है ना, कितनी शौक वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरी सवारी को कोई परेशानी ना हो। मतलब जो मेट्रो है, मेट्रो की पूरी कोशिश क्या रहती है, जो उसकी सवारी कर रहा है उनको किसी भी बात की कोई भी परेशानी ना हो। आप बस किसी भी मेट्रो स्टेशन पर पहुंचिए, आपकी सेवा में स्वचालित सीढ़ियां हाजिर हैं। कमज़ोरों बुज़ुर्गों के लिए लिफ्ट का प्रबंध है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आगे भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, मेरी कोशिश पूरी रहती है, यानी कि मेट्रो की कोशिश पूरी रहती है, आप मेरी सवारी को, उनकी जो मेट्रो की सवारी कर रहा है उनको किसी भी बात की कोई भी परेशानी ना हो। आप बस किसी भी मेट्रो स्टेशन पर पहुँचिए, वहाँ पर आपके लिए सीढ़ियाँ हाजिर हैं, है ना। अगर कोई कमज़ोर है, बुज़ुर्ग है, तो उनके लिए लिफ्ट भी है। अगर आप स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप सीढ़ियाँ का ही उपयोग करिए, लिफ्ट में मत जाइए, ओके। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ने से पहले हम कुछ ये यहाँ पे लिखा है ना, क्या आप जानते हैं, हम उसको पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, मॉस्को मेट्रो दुनिया की सबसे खूबसूरत मेट्रो है। देखिए क्या लिखा है, मॉस्को मेट्रो दुनिया की सबसे खूबसूरत मेट्रो है। दिल्ली मेट्रो में अंग्रेजी में उद्घोषणा करने वाली उद्घोषिका के रूप में श्रीमती रिनी साइमन खन्ना की आवाज़ है, जबकि हिंदी में उद्घोषणा करने वाले उद्घोषक के रूप में श्री शशमि नारंग की आवाज़ है। मतलब जो दिल्ली में मेट्रो में आवाज़ें आती हैं इंग्लिश में, वो किसकी आवाज़ें होती हैं, श्रीमती रिनी साइमन खन्ना, और हिंदी में जो घोषणा होती है वो कौन करता है, श्री शम्मी नारंग, ओके। आगे बढ़े, चलिए तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे के अपने चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं। क्या लिखा है,
सबसे अच्छा है स्टेशन पे पहुंचकर टोकन या स्मार्ट कार्ड खरीद लीजिए। मतलब सबसे अच्छा क्या है कि आप स्टेशन पे पहुंचिए और टोकन या स्मार्ट कार्ड खरीद लीजिए। इन्हीं के द्वारा प्रवेश या निकाश होगा, यानी कि आपको जो टिकट होती है ना, टिकट का जो चार्ज होता है वो आपको टोकन या स्मार्ट कार्ड खरीदने में देना है, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, टोकन या स्मार्ट कार्ड, और उसी को दिखाकर आप मेट्रो में अंदर आएंगे और मेट्रो से बाहर जा पाएंगे। ओके, अब पढ़ते हैं आगे। स्टेशन यानी कि प्लेटफॉर्म पहुंचने से के पहले केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों द्वारा सुरक्षा जाँच की जाती है। मतलब स्टेशन पहुंचने के पहले केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों द्वारा सुरक्षा जांच की जाती है ताकि आप बेफिक्र होकर यात्रा कर सकें। मतलब आपको मेट्रो में अंदर जाने से पहले आपकी जांच होती है ताकि आप पूरी यात्रा बेफिक्र होकर कर सकें। इसलिए सुरक्षा जांच में जवानों का पूरा पूरा सहयोग दें। सहयोग का मतलब क्या होता है कि उनकी हेल्प करें। हर स्टेशन पर छपे हुए रूट मैप उपलब्ध हैं। फिर भी यदि कोई जानकारी आपको चाहिए या कोई परेशानी हो तो आपकी सेवा के लिए हर स्टेशन पर ग्राहक सेवा केंद्र है। यानी कि अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी परेशानी है तो हर स्टेशन पर क्या बने हुए हैं, ग्राहक सेवा केंद्र। हर स्टेशन पर प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध है, यानी कि हर स्टेशन पे एक हॉस्पिटल है। दिव्यांगों को गाड़ी के अंदर तक छोड़ने के लिए व्हील चेयर यानी पहियेदार कुर्सियाँ की व्यवस्था है। दिव्यांग किसे बोलते हैं, दिव्यांग हम उनको बोलते हैं जिनके शरीर का कोई अंग ठीक से काम ना करता हो, तो उनके लिए क्या है, व्हील चेयर। ठीक है, आपको भूख सताए तो स्टेशन पर ही पेट पूजा का प्रबंध है। अगर आपको भूख लगी है तो स्टेशन पर ही पेट पूजा का प्रबंध है, यानी कि कैंटीन होगी। लेकिन कृपया मुझे गंदा मत करना, लेकिन मेट्रो को गंदी नहीं करनी चाहिए, खाने के बाद ही मेरे पास आना। अगर आपको भूख लगी है तो स्टेशन पे आप लोग खाइए, फिर आप मेट्रो में अंदर बैठ जाइए। आगे बढ़ते हैं। सफ़र के दौरान अगर रुपये पैसों की व्यवस्था करनी है तो लगभग हर स्टेशन पर बैंकों की एटीएम मशीनें लगी हैं, उनका सदुपयोग करें। मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और पैसे आपको चाहिए और आपके पास एटीएम है, कार्ड है एटीएम का, तो हर स्टेशन पे क्या है, बैंकों की एटीएम मशीनें लगी हुई हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो रेल का संग्रहालय भी है, यानी कि संग्रहालय का मतलब क्या है, म्यूजियम भी है। इसे ज़रूर देखना चाहिए, तब पता चलेगा कि दिल्ली में मेट्रो रेल चलाने के लिए कैसी कैसी बाधाएं पार करनी पड़ी। मतलब पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर क्या है, म्यूजियम है। किसका, मेट्रो का, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमें मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए किन किन यानी कि किस किस बाधाओं का पार करना हमें पड़ा। अब आप प्लेटफॉर्म पर पहुंचिए, आने वाली गाड़ी कितने मिनट बाद आएगी और कहां जाएगी, यह सब आप दर्शक पट, क्या लिखा है ये, दर्शक पट यानी कि नोटिस बोर्ड को देखकर जान जाएंगे। आपको पीली रेखा के बाहर ही खड़े रहना है, मैं आऊँगी और खुल जा सिमसिम की तर्ज पर मेरे दरवाजे खुलेंगे और बंद होंगे, आप बस आराम से सवार हो जाइए। इतना समझ में आ गया आपको, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए गाड़ी के जाने की दिशा में पहला डिब्बा आरक्षित है, यानी कि महिलाओं के लिए पहला डिब्बा है। अन्य डिब्बों में भी कुछ सीटें महिला, बुजुर्ग एवं दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं। हर डिब्बे में भरपूर रोशनी और साफ सफाई है। जिस स्टेशन पर गाड़ी पहुंचेगी उसके नाम की उद्घोषणा का पहले ही कर दी जाएगी। उद्घोषणा का मतलब अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि यह ट्रेन इस स्टेशन पर आ पहुंची है। संकट की स्थिति में चालक से सीधे बात की जा सकती है। इतनी सुविधा होने के बावजूद कई बार मुझे दुख होता है। क्यों दुख होता है भाई मेट्रो को, देखिए
कि कुछ लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, कुछ युवा फर्श पर बैठ जाते हैं, मतलब मेट्रो में इतनी अच्छी अच्छी चेयर्स हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि फर्श पर बैठ जाते हैं, डांस करने लगते हैं और क्या करते हैं, देखिए संगीत बजाते हैं, कभी कभी लिफ्ट में भी दौड़कर चढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है जो लोग कमज़ोर हैं और बूढ़े हैं वो लोग लिफ्ट में नहीं चढ़ पाते हैं, और क्या होता है चढ़ते या उतरते समय धक्का मुक्की भी करते हैं। इन बुराइयों को आप जैसे पढ़े लिखे और जागरूक बच्चे ही समाप्त कर सकते हैं। मतलब अब आपको ये सारी बातें पता चली तो आप जब भी दिल्ली जाओगे या कहीं भी जहाँ पे मेट्रो है आप उसका ठीक प्रकार से उपयोग कर पाओगे। समझ में आ रहा है ना आपको ये चैप्टर? तो ये चैप्टर आपको क्या सिखाता है, जब भी आप मेट्रो में बैठे तो आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। बावजूद इन सब के मैं दिल्ली की शान तो हूँ ही, तो आइए मेरी सवारी कीजिए, आपको घूमने से खुशी मिलेगी और मुझे घुमाने में। मतलब बावजूद इन सब के मैं दिल्ली की शान तो हूँ, तो आइए मेरी सवारी कीजिए, आपको घूमने में खुशी मिलेगी और मुझे घुमाने में। तो आप लोग जाइए और दिल्ली में मेट्रो है अब वहाँ पर घूमिए। ओके, तो आपको ये चैप्टर समझ में आया अच्छे से? तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में ये चैप्टर अच्छी तरीके से पूरा रीड करना है। तो आपका यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बच्चों गुड बाय।